Hello guys, welcome to all of you in my Success Engineer channel. Guys, आज हम बात करेंगे कि Flipkart पे अपने प्रोडक्ट को किस तरह सेल करते हैं और सेल करने के लिए हमें Flipkart की तरफ से हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम Flipkart पर रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास GST नंबर होना चाहिए, ओके, अपनी फर्म के नाम का GST नंबर होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड जब आपने GST नंबर जो अप्लाई करा हुआ उस समय जो पैन कार्ड दोगा चाहे अपने फर्म के नाम से या फिर अपने नाम से, वो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अपनी मेल आईडी होनी चाहिए, बिजनेस आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट करंट या सेविंग अकाउंट, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मीन्स आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप वो प्रोडक्ट खाली आप ही बनाते हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट अगर कोई और बंदा सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को आपसे लेके या किसी अदर पर्सन से, वही प्रोडक्ट मान लो जो आप बना रहे हो वो कोई और भी बंदा बनाता हो, या फिर आजकल मार्केट में बहुत चाइना प्रोडक्ट भी, मतलब कि चाइना प्रोडक्ट्स उसी कॉपी प्रोडक्ट कोई बंदा बेच रहा है तो वो आपसे अप्रूवल नहीं ले रखा है, तो उस केस में आप उस बंदे को ऊपर आप उस बंदे को रोक सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ना सेल करो, ठीक है। आप उसको एक उसे फ्रीडम नहीं दे सकते आप उसको सेल करने की, ठीक है, कि आप हमारा प्रोडक्ट जो भी बंदा सेल कर रहा है उस पर किसी प्रकार का एलिगेशन लगा सकते हैं कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल करो नहीं तो मैं आपको परकेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए हम ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट यूज करते हैं और ब्रांड ऑथोराइज लेटर, मीन्स ब्रांड ऑथोराइज लेटर ये होता है आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और आपने उस ब्रांडेड प्रोडक्ट का आपके पास ब्रांड ऑथोराइज लेटर नहीं है तो वो ब्रांड आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकती है आप हमारा प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हो, ठीक है। उस चीज के लिए हमारे पास होना चाहिए ब्रांड ऑथोराइज लेटर, ओके। तो अब अगर आपके पास ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे मीन्स ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं फ्लिपकार्ट पे अपना रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आप गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए www.flipkart.in। जब आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जब आप ये डैशबोर्ड आपका ये ओपन होगा, ये पेज जब आपको ओपन होगा तो उसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और सबसे एंड में आइए सेल ऑन फ्लिपकार्ट के ऊपर। जब आप इस पे ऊपर आओगे आप क्लिक करोगे तो आपका एक ये पेज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन टूडे। तो आप इधर रजिस्ट्रेशन टूडे के ऊपर एक ईमेल आईडी और फोन नंबर मेंशन कीजिए, यहाँ पे आप ईमेल आईडी और यहाँ पे फोन नंबर मेंशन कीजिए और स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करके आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे तो आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। और यूजर आईडी पासवर्ड को क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे मेंशन कीजिए दोनों को और लॉगिन कीजिए। देन जब आप लॉगिन कर दोगे तो आपका ये इस तरह का पेज ओपन होगा, इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। जब ये डैशबोर्ड ओपन होगा तो यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कि योर प्रोसेस इज डैश कंप्लीट, मतलब आपका यहाँ पे प्रोसेस दिखलाया कितना प्रोसेस हो चुका है। तो हम बात करते हैं कि हमें किस तरह हम अपने रजिस्ट्रेशन को क्रिएट करेंगे अपने फ्लिपकार्ट के। तो सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल्स में आप जब व्यू डिटेल्स करोगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे बिजनेस नेम जो भी आपका बिजनेस नेम है, फॉर एग्जांपल हमारा सक्सेस इंजीनियर मेंशन कर दिया, जीएसटी नंबर आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद अपनी बिजनेस की जो भी आपका जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसका एक बंदे का मीन्स बंदे मतलब की आपके पास आपकी जो सिग्नेचर होंगे आपको अपलोड करने पड़ेंगे अपने ऑथराइज सिग्नेचर, ओके। फिर रजिस्टर एड्रेस डिटेल्स देनी है आपको, फिर सिटी नेम स्टेट नेम यहाँ पे मेंशन करना है। उसका सेव करने के बाद आपका बिजनेस डिटेल्स कंप्लीट होता है। फिर आपको बैंक डिटेल्स के अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना बैंक होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और स्टेट नंबर स्टेट, ये सारा आपको मेंशन करना है। जब आप ये मेंशन कर दोगे उसका KYC होगी कि बिजनेस टाइप के अंदर आपका आएगा कि प्रोप्राइटर है या फिर आपका पार्टनरशिप में, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको अपना अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, पर्सनल पैन नंबर आपको मेंशन करना है, एड्रेस प्रूफ में आपको जो भी आपको सुटेबल लगे यहाँ पे ऑप्शन होगा, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीएल मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे आपको इस तरह के कुछ ऑप्शन आएंगे, वो आपको जो भी बेटर लगे आप उस अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आप चॉइस कर लेना। उसका कैंसिल चेक यहाँ पे मेंशन कर देना। जब आप ये कर दोगे प्रोसेस तो आपका ये भी पेंडिंग में होगा, पेंडिंग में तब तक रहेगा, ये कंप्लीट प्रोसेस तब होगा फ्लिपकार्ट के हैंड की तरफ से ही हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। और फ्लिपकार्ट आपको जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फ्लिपकार्ट एक रफली एक दो रुपए करीब आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा अमाउंट। ये अमाउंट इसलिए ट्रांसफर होगा, एक वेरिफिकेशन होगा फ्लिपकार्ट की तरफ से कि आपका जब प्रोडक्ट आपके सेल होने लगेंगे तो आपको जो अमाउंट आएगा वो आपके अकाउंट में सही अकाउंट में आ रहा है अमाउंट की नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक वेरिफिकेशन होता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, ओके गाइस। आई होप आपको बैंक डिटेल्स और बिजनेस डिटेल्स प्रॉपर समझ आई होगी। अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। और स्टोर डिटेल्स, जब आप स्टोर डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे
डिस्प्ले नेम बिजनेस डिस्क्रिप्शन, डिस्प्ले नेम मीन्स यहाँ पे आप सक्सेस इंजीनियर पे डाल देना और यहाँ पे बिजनेस नेम में आप यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे मेंशन कर देना अपना जो भी आपको सुटेबल लगे वो मेंशन कर देना। उसके बाद एड लिस्टिंग, एड लिस्टिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे एड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। जब आपको ये ऑप्शन शो होगा तो यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग में आप यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो, बल्क में यहाँ पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो फ्लिपकार्ट एक छोटा सा एक आपसे क्वेश्चन पूछेगी, छोटा सा एक इंटरव्यू लेगी कि जो आपके जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो क्या आपका खुद की ब्रांड है या आप अलग किसी ब्रांड का सेल कर रहे हो, ठीक है, और जो आप ये आप मैन्युफैक्चरर हो या रिटेलर हो, ठीक है, आप जो भी आप अपने कोडिंग एक्सपीरियंस मेंशन कर देना। और यहाँ पे वेयर आर यू ऑपरेट फ्रॉम, आप घर से ऑपरेट करोगे या फिर आप स्टोर होगा आपके पास, आपके पास वेयर हाउस है। फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई ये नहीं होता कि आप अपने एक वेयर हाउस हो गए तभी आप एलिजिबल हो फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोडिंग अगर आप अपने घर से भी हैंडल कर सकते हो, आप घर से भी अपने कर सकते हो, तो आप घर से भी अपना हैंडल कर रहे हो बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको ऊपर है कि आपका घर में आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो स्टोर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कि आपको लार्ज वेयर हाउस की जरूरत है, वो आपकी रिक्वायरमेंट का कोडिंग है। आपकी एज कितनी है वो आप भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है आप, और आप जो फ्लिपकार्ट जो भी प्रोडक्ट सेल करोगे कितने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दोगे, 100 प्रोडक्ट, 150 प्रोडक्ट, 1000, 2000 कितने प्रोडक्ट सेल करोगे, ठीक है, और आपका जो फ्लिपकार्ट का जो अकाउंट होगा वो कौन हैंडल करेगा, आप खुद हैंडल करोगे जिसके नाम से है, या आपकी फैमिली मेंबर करेंगे, या आपके बिजनेस पार्टनर करेंगे, या फिर आपके एम्प्लॉय करेंगे हैंडल। फिर उसके बाद आता है ओनर, जो ओनर है वो मेल है या फीमेल जो भी आप हैं उसमें मेंशन किया है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, किसी अदर ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये आता है फाइनली आपका डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड आपको ये दिखलाएगा कि यहाँ पे वेलकम का है, वेलकम में आपका ये वेलकम शो जाएगा, लिस्टिंग यहाँ पे लिस्टिंग है, आपको लिस्टिंग जो आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे वो आपको शो होगा, ऑर्डर आएंगे जो पर डे की स्टेटमेंट रहेगी, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 5 ऑर्डर जो भी होंगे 200-300 ऑर्डर वो आपको शो करेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, फाइनली जब ये सब हो जाएगा आपका तो आप खुद ही आपका जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से तो आपको खुद ही पर डे के ऑर्डर आएंगे, वो आप खुद ही हैंडल कर सकते हो, पेमेंट का भी आएगा, पेमेंट आपकी कितनी आ रही, पेमेंट की कितनी पेमेंट फ्लिपकार्ट से आनी है और पेमेंट की कितनी तारीख को डेट होती है, कितनी डेट को आपकी पेमेंट आएगी, ठीक है। फ्लिपकार्ट के अंदर एक होता है कि आपका अकाउंट आपको दिखलाया गया कि आपका अकाउंट अभी सिल्वर है, सिल्वर का गोल्ड होगा, इस तरह से आपके प्रमोशन भी होते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर। ओके, आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आया होगा। गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी है प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे और मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको अकाउंट को क्रिएट करने में या फिर लिस्टिंग करने में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प प्रॉपर करूंगा, आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आप भी जिनका भी आप जो भी लोग चाहते हैं अपने बिजनेस को फ्लिपकार्ट या अदर ई कॉमर्स वेबसाइट पे करना वो भी कर सकें और उनकी मैं हेल्प करूंगा। गाइस आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं।